आज के समय में हर कोई आजाद जीना चाहता है, चाहे वो कोई यंगस्टर हो या फिर कोई बच्चा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही कैसे सिखाएं कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइकिल सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही डॉक्टर कशिका जैन, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको ऐसे फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यस, आप अपने बच्चों के साथ क्या गलत कर रहे थे और आप उनको कैसे सही कर सकते हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्यों जरूरी है बच्चों को इंडिपेंडेंटली जीना सिखाना। देखिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना आपका फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे आप इसका जो फ़ायदा है वो आप आगे ही देख पाएंगे। अब एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे आप अपने बच्चे से कहें जब वो सो के उठते मैं क्यों बैठ, अब उसको हो सकता है उसमें 3-4-5 मिनट लग जाए और एज मदर आपको 1 मिनट ही लगे, तो आप मतलब और आपको बड़ा मज़ा आता है बच्चे के काम करने में, बट एक तरीके से ना आप उसका नुकसान कर रहे हैं। आगे वाली लाइफ ऐसी नहीं है कि वो हर चीज़ उसको हुआ ही मिलेगी। अभी भी मेरे पास एक बच्ची एडमिट है जिसने चंडीगढ़ का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और एक कोई कोर्स वो अपने नेटिव प्लेस पे भी कर रही थी। अब उसको लग रहा है मेरे से होगा नहीं और अब मैं बीच में छोड़ूंगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग पूछेंगे भाई तूने क्यों नहीं करा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट होके सब कुछ अपने आप कर रहा है तो कोई आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हर चीज़ आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। बट उसके लिए आपका माइंडसेट, किसी पर निर्भरता अगर आपकी है हर काम के लिए, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपके पिता हैं, चाहे आपका भाई है, तो फिर आप नहीं डेवलप करते। आपको बच्चों को तो जनरली ना एक ऑर्डर चाहिए होता है कि 3 मिनट के अंदर ये काम ख़त्म कर दो, 2 मिनट के अंदर ये काम ख़त्म कर दो, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। और बच्चों को अगर एक शेड्यूल से चलाया जाए, जैसे स्कूल के दौरान हमारा शेड्यूल होता है, सुबह नाश्ता किया, फिर स्कूल चले गए, वहाँ लंच मिला, फिर वहाँ लौट के आए, 1 घंटे का होमवर्क करा, जैसे मैं ऐसा करता था, होमवर्क करा और फिर मैं खेलने बाहर चला जाता था। अब एक अगर आप बच्चों का एक शेड्यूल बना देंगे तो उनमें इंडिपेंडेंस की भावना ज़्यादा अच्छी आएगी, और आप ही हेल्प करते रहेंगे, आप ही होमवर्क करते रहेंगे, तो आप जो आज आप कर रहे हैं उसको हल्के में मत लीजिए, वो शॉर्ट टर्म हेल्प नहीं है, उससे ना लॉन्ग टर्म उसके अंदर एक आदत इनकलकेट हो रही है, एक तरीका डेवलप हो रहा है काम करने का, जो आपके लिए बाद में चल के मुसीबत की जड़ बन रही है। अगर आप बच्चे को इस तरह से स्पून फीडिंग कर रहे हैं हर समय, मेरी तो ये ट्रेनिंग 6 महीने की उम्र से ही शुरू हो जाती है, जब मैं पेरेंट्स को कहता हूँ नो स्पून फीडिंग, लेट हिम डू इट, शुरू में इट इज़ गोइंग टू बी मैसी, आप बच्चा आपका खाते हुए कपड़े भी ख़राब करेगा, थोड़ा सामान भी वेस्ट करेगा, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स वो खुद मैनेज करना सीख जाएगा और अच्छे से खाएगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये बात मुझे समझाने में बहुत भार पड़ता है क्योंकि मुझे दिन में कम से कम 50 बार ये बात बोलनी पड़ती है। यहीं से बच्चों की इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे ये कैसे करेगा, मैं कर देती हूँ, मतलब माओं को ये आदत है कि ये कर नहीं पाएगा। अब अरे जब करने का मौका दोगे आप तभी तो करेगा। अब मान लो उसने एक बार कुछ अटेम्प्ट करा भी, अब कई बार बच्चे आपने देखा होगा ना जूते उल्टे पहन लेते हैं, राइट का लेफ्ट में पहन लेते हैं, लेफ्ट का राइट, कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बट क्यों हम इसे इतना, अगर बच्चे ने ऐसे जूते पहन लिए तो अगली बार से उसकी माँ क्या करेगी, वो उसे खुद ही पहनाएगी। इज दैट ए गुड पेरेंटिंग? क्या ये सही तरीका है उसको इंडिपेंडेंट बनाने का? आपको ये सोचना चाहिए, आज इसने ये लेफ्ट राइट करा, हो सकता है कल भी ऐसी लेफ्ट राइट करे, परसों को हो सकता है राइट लेफ्ट सही कर ले। एक तो एक बेसिक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो इनका अटेंशन स्पान है, माँ को लगता है मैंने इसे कल समझाया था, उसका जो अटेंशन स्पान है वो बहुत छोटा है, वो बहुत जल्दी से भूल जाते हैं चीज़ों को। आपको वो रिपीट करनी होती है पैटर्न बनाने के लिए, आप अगले दिन भी उसको बताओ कि देखो इसको ना ऐसे पहनना चाहिए,
ये इसका जो जूते का कर्व है ये इस तरह से आता है, एंड ही विल लर्न इवेंचुअली, कोई रीज़न ही नहीं है कि वो नहीं लर्न करेगा। और हम सभी ने ये चीज़ें ऐसी सीखी होती हैं, और आप अगर धीरे धीरे चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चे बहुत आराम से सीख जाते हैं। डॉक्टर कशिक आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए इंडिपेंडेंट बनाने की जो फाउंडेशन है वो है डिसिप्लिन। अब जनरली पेरेंट्स ही खुद डिसिप्लिन नहीं होते हैं, उनका ही अपना कोई रूटीन नहीं होता है, और वो ही एक्चुअली इंडिपेंडेंट सारे काम नहीं करना चाहते, वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट फील करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसको फाउंडेशन ईयर्स में ही आपको ये चीज़ उसके माइंड में फीड कर देनी है कि बेटा आपको इस दुनिया में जो भी काम करना है वो आपके एफर्ट्स के बिना पूरा नहीं होगा। और इस बात का तो मैसेज हमें ईश्वर पैदा होते ही दे देता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो फिर माँ उसे बड़े स्नेह से अपने सीने से लगाती है दूध पिलाने के लिए, लेकिन जब तक बच्चा मुंह नहीं चलाएगा तो उसके मुंह में दूध नहीं जाएगा। तो आपको अपने एफर्ट्स तो डालने ही हैं। मम्मा आज आपके लिए बेड बना देगी, आज मम्मा आपके बैग लगा देगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद करना पड़ेगा, मम्मा आपके लिए नहीं करेगी है। लेकिन पहले आप बच्चे का एक कम्फर्ट जोन बनाएं और फिर उसके बाद उसको बोलें ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बाहर नहीं जा पाता है, ये बोल नहीं पाता है। मेरे पास 24 साल का एक लड़का आया जिसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बिजनेस मैन फैमिली थी तो सोचा कि 24 साल का हो गया भाई, अब बिजनेस करा है शादी कर देते हैं। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कोई भी साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी इंसान बता सकता है कि उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, किसी चीज़ का कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसके दो बड़े भाई बहन थे और मम्मी पापा ने आज तक उसे कुछ भी पड़ोस की दुकान तक पे नहीं जाने दिया था, राइट? कुछ काम उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता था। और उसको इस बात की एंग्जाइटी हो गई कि मैं कैसे संभालूंगा, मतलब शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कैसे मैं अपनी वाइफ के साथ बातचीत करूंगा, कहीं आना जाना होगा, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई, उसकी वाइफ को देखा, वो सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ शोरूम पे बैठ जाता था जाकर, उसे और कुछ भी नहीं आता था। और फैमिली वाले बोलने लगे कि मैम दो चार काउंसलिंग में इसे ऐसा बना दो बिल्कुल फुर्तीला, और जो ये सारा काम खुद करने लगे। भाई 24 साल में आपने उसके दिमाग में जो फीड किया है वो एक दो बार में ऐसा कैसे फुर्तीला बनाने का कोई जादू, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमेशा शुरुआत से बच्चों को छोटे छोटे टास्क उनकी एज के अकॉर्डिंग दिए जाएँ। आपके घर का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देंगे, जैसे कि बेटा आपका बैग आप ही लगाएंगे, अगर आपको लगता है सुबह आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप रात को लगा कर सोएंगे, आप अपनी यूनिफॉर्म को खुद मैनेज करेंगे, आप अपनी खाने की प्लेट खुद रखेंगे, तो आपने बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाया कि उसको उसका जो सामान है वो खुद ही संगवा कर रखना है। तो बच्चा एक डिसिप्लिन्ड होता चला गया, और डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस दोनों साथ में चलती हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा आप देखेंगे बिहेवियरल इश्यूज ही नहीं आएंगे, क्योंकि घर में अगर आप देखें तो क्या इश्यूज हैं, ये फैला कर रखता है, ये टॉयज खेल लेता है फिर संगवाता नहीं है, इसकी कोई कॉपी कहीं पड़ी है, जूता यहाँ पड़ पा रहा है और ड्रेस उल्टी कहीं और पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बोलते ये बड़ा हो गया मेरे बिना तो ये रह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ये घर में अकेला नहीं रह सकता, ये वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाई अपॉर्चुनिटी तो दीजिए ना उसे, वो तभी तो करेगा, वो मरता क्या ना करता करेगा जरूर वो। एक बार जैसे सर बोल रहे थे कि वो शुरू में बच्चा फैलाएगा, अरे उसे फैलाने दीजिए। लेकिन ऐसे ही आता है क्योंकि हम सभी लोग ऐसे सीखते हैं, हमको भी जो भी चीज़ आज परफेक्शन से आती है वो कहीं ना कहीं हमने ख़राब कर करके सीखी होती है, और हम फिर समझ जाते हैं कि भाई ये काम तो हमें ही करना है। जैसे हम घर में अगर कुछ नहीं करें लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपना बैग इतना संगवा कर रखते हैं, मतलब ट्रैवल के दौरान भी और बाहर जाकर भी हम छोटी छोटी चीज़ें भी संगवा कर रखते हैं, ब्रश भी किया तो साथ के साथ ला के बैग में रख लिया, वो क्योंकि माइंड सेट है कि यहाँ पर मुझे ही करना है। और घर में वही बच्चा फैला कर रखता है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम इसको हॉस्टल भेज रहे हैं, आप इसको काउंसलिंग कर दो क्योंकि इसे तो कुछ नहीं आता, ये कैसे मैनेज करेगा बाहर जाकर। सो अब वो मैनेज करेगा, बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ अपने आप मैनेज कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स को इसलिए एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं उसे बच्चे को घर में, और देखा इसलिए नहीं क्योंकि घर में या तो कई सारे डोमेस्टिक हेल्प है या फिर जो घर में और बड़े लोग हैं उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। तो वहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको पेन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है तो हार्डशिप तो पता होनी चाहिए ना। अगर कंफर्ट जोन में कौन इंडिपेंडेंट बनता है, आपको और हमको कंफर्ट जोन दे दिया जाए तो हम ही कहाँ इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो हार्डशिप देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बच्चे को रियल में कुछ पता चलेगा कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना माता पिता के घर में लगती है,
तभी जाकर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा और डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन होना, जैसा कि डॉक्टर कशिका ने बताया कि उसको चांस दिया जाए। और देखिए इसमें ना पॉजिटिव अटेंशन और नेगेटिव अटेंशन दो चीज़ें हैं। पॉजिटिव अटेंशन से मेरा मतलब ये है कि आप उसको, उससे एक्सपेक्टेशन उतनी रखो जितनी वो कर सकता है, और उसमें आप थोड़ा बहुत बढ़ा के रखो। आपने कहा ये किताबें आप अपने बैग में संगवा के रख दो, अब आप उस छोटे बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो अपनी किताबों पे कवर भी चढ़ा लेगा जी। तो वहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जो चीज़ वो कर सकता है और उसमें थोड़ा सा बढ़ा के आप उसको एक्सपेक्ट करो। एंड नेगेटिव अटेंशन, तूने ये कर दिया, तूने ये फैला दिया, तूने फाड़ दिया, तूने ध्यान नहीं रखा, उससे बच्चा और ख़राब होता है। डोंट गिव नेगेटिव अटेंशन, गिव पॉजिटिव अटेंशन, उसको समझाइए। जैसा कि मैंने एक चीज़ और बताई थी कि बच्चों का अटेंशन स्पान थोड़ा शॉर्ट होता है, वो बहुत जल्दी आपके इंस्ट्रक्शन जो आपने दिए होते हैं भूल जाते हैं। तो उसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है चार्ट या पिक्चर करके। और आजकल तो आप पे फ़ोन है, आप उसमें वीडियो बना के, छोटा सा वीडियो बना के आप दिखा सकती हैं कि राइट और लेफ्ट जूता कैसे पहनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो बच्चा चीज़ नहीं कर पा रहा है उसमें वो वीडियो बना के रोज़ उसे एक एक मिनट की वीडियो दिखाएंगे तो वो करने लगेगा। जैसे और कर रहे हैं, अब हवाई जहाज भी उड़ाने वाले उड़ाते ही हैं ना, बट थ्रू ए ट्रेनिंग। तो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग अगर माँ देने लगे अपने बच्चे को रादर देन हेल्पिंग, अब माँ की तो हालत ये है कि वो बैठ जाएगी, उसे खिलाने भी अपने हाथ से खिलाना चाहती है, तो वो ये जो एक फिनोमेना है वो बच्चों को गलत तरफ ले जा रहा है। पहले शायद ज़्यादा बच्चे थे तो माँ पे इतना टाइम नहीं था कि वो बच्चे को इतनी अटेंशन दे, और अब बच्चे कम हो गए तो वो इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रही है कि ये भी एक पैराडॉक्सिकली ख़राब सिचुएशन बनती जा रही है। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट कराने के लिए आप उनके साथ एक्सपेक्टेशन का बोझ भी उतना रखें जितना वो कर ले अपनी उम्र के हिसाब से। मैम जैसे कि सर ने बताया कि एक्सपेक्टेशन हमें बच्चे से उतनी ही करनी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, घर में एक ही बच्चा है, तो फुल अटेंशन हम उसी बच्चे को देने लगते हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के ऊपर है। तो मदर अपनी अटेंशन को कैसे बच्चे से हटाए कि बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद से ग्रो करे? देखिए अटेंशन देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अटेंशन आप किस बात के लिए देते हैं बच्चे? अगर बच्चा आपने किसी भी छोटी बात पर डिस्टर्ब है या उदास बैठ गया है या टेंट्रम शो कर रहा है और आप उस वक्त उसे अटेंशन दे रहे हैं, तो उसको एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा अटेंशन देगी। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आपका बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है उस वक्त आप उसे एंटरटेन ना करें, उसे बोलें पहले तुम काम डाउन हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे हम इसके बारे में। जैसे आपने बोला कि एक ही बच्चा है, मदर का सारा फोकस है, अगर मदर हाउसवाइफ है तो उनको इंडिपेंडेंट, क्योंकि फैमिली खुद ही संभालनी है तो उनको घरेलू काम भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मदर ओवर अटेंशन देती हैं, या अगर वर्किंग मदर्स हैं तो वो लिमिटेड ही दे पाती हैं बच्चों को। लेकिन हाँ, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो ओवर पजेसिव होती हैं, जो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देती हैं, तो ऐसे मदर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं, और फिर जब वो थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे होते हैं तो वो ही शिकायतें करती हैं कि ये मेरी बात सुनता नहीं, अब इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खेलता है, इस तरीके की बातें। तो शुरू से ही अगर मदर लिमिटेड अटेंशन दे, कैसे, अगर मदर ये सोचे कि वो भी तो एक इंडिविजुअल वुमेन है ना, मदर के साथ साथ वाइफ के साथ साथ और भी रोल्स निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे, मदर का काम रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल मदर बहुत एंग्शियस रहती हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो हमेशा अपने बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट है उससे कैलकुलेट करती रहती हैं, अपनी किसी फ्रेंड के बच्चे से या फिर स्कूल के किसी बच्चे से, कहीं से भी या रिश्तेदारी में कोई बच्चा होगा तो वो हमेशा एक कंपैरिजन मोड में रहते हैं। तो मदर का रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना कि बच्चा नेचुरली ग्रो करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसे नरिश करना है, ना कि किसी और की एबिलिटी के हिसाब से अपने बच्चे को नरिश करना है, क्योंकि सब बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। आप जैसे ही देखें कि जैसे बच्चा है किस तरीके के टॉयज से, फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 साल का बच्चा है, अगर वो बहुत ज़्यादा गाड़ी से खेल रहा है या एरोप्लेन है खोल कर बैठ गया है, या कोई बच्चा है जो अभी भी टेडी पियर्स जैसे उससे खेल रहा है, या किस मतलब तरीके के खिलौनों को पसंद कर रहा है, तो माइंडसेट पता चल जाता है, क्योंकि बच्चा उसको लाइक कर रहा है, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप अपने बच्चे को उसी तरीके के खिलौने लाके दें और जो है ना उससे खेलते वक्त उससे पूछें कि उसका क्यों इंटरेस्ट है इधर,
तो इस तरीके का जब आप क्वालिटी डिस्कशन करते हैं तो आपको साथ के साथ एक रिलैक्सेशन रहता है कि मेरा बच्चा एक राइट डायरेक्शन में अपना माइंड यूज़ करा है और उसके अंदर जो भी एबिलिटीज है जो आने वाले कुछ साल में मुझे पता चलेंगी वहाँ पर अगर मैं ध्यान दूंगी तो मेरा बच्चा एक इंडिपेंडेंट एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन जाएगा, मुझे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर एक जो अटेंशन देंगी वो सेलेक्टिव अटेंशन देंगी उसके ग्रोथ के लिए, ना कि उसे कंपैरिजन कर ख़राब करने के लिए। अदरवाइज ये नहीं किया, डांस में भी फर्स्ट आना चाहिए बच्चा, पढ़ाई में भी फर्स्ट आना चाहिए बच्चा, ये भी करना चाहिए बच्चा, तो इससे बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो रोना शुरू करता है, झल्लाना शुरू करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ नहीं करना चाहता। और मदर क्या कहती है, मैंने तो अपना पूरी ज़िंदगी से डेडिकेट कर दी, इसकी वजह से तो मैंने जॉब नहीं करी, इसकी मैं तो पता नहीं क्या ही क्या कर लेती। अपनी आशाएं उनके ऊपर, अपनी आशाएं उनके ऊपर थोप देते हैं। हमें बच्चे को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह देखना चाहिए कि ये अलग है, मेरे अंदर कुछ अलग बात थी, मेरे बच्चे के अंदर कुछ अलग बात है और बच्चा मेरे थ्रू इस दुनिया में आया है, बच्चा मेरे सपने पूरे करने के लिए नहीं आया है। तो ये बात का ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे की वो क्वालिटीज़ देखकर उसको ग्रोथ के लिए तैयार करना है, ना कि उसको इस तरीके से कि आप उसे फर्दर कहीं कैश कर सकें रेपुटेशन के लिए या अपने सपनों के लिए कि मेरा बच्चा ये चीज़ बन गया। क्योंकि ऐसे बच्चे बन भी जाते हैं लेकिन वो बाद में देखा गया है कि वो किसी ना किसी बात पे डिप्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको नहीं, वो बहुत मैटर करती है ना। आप कोई भी फील्ड में जाओ क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या क्या ही बनकर। बच्चा अगर आपका सिंपल आर्टिस्ट भी बन रहा है, डांसर भी बन रहा है, ये कुछ भी बन रहा है, वो अगर उसमें खुश है वही आपकी जीत है। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर हम बच्चे को अभी से इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं तो फ्यूचर में। देखिए, इंडिपेंडेंट बनाना फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो आगे चल के वो खिनी रहेगा बच्चा, अपनी चाय भी नहीं बनाएगा कभी, अपने लिए टिफिन नहीं लगाएगा, अपना कोई भी सामान कहीं छोड़ देगा और कभी कुछ खो जाएगा उसका, कभी कुछ खो जाएगा, मतलब वो बच्चा उलझन में ही रहेगा। और जितना बच्चा इंडिपेंडेंट रहेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और उतना ज़्यादा सॉर्टेड होगा, इमोशनली बैलेंस्ड होगा और सब कुछ अच्छे से कर पाएगा। मैम आप क्या कहती हैं? देखिए, कोई भी पर्सन हो वो अगर इंडिपेंडेंट है तो उसकी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेंगे और ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करने के लिए। लाइफ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और आपके अंदर से ही एक आवाज़ आएगी कि मैं ये चीज़ अपने आप संभाल सकता हूँ। आप अगर अपने बड़ों की तरफ या किसी फ्रेंड की तरफ देखेंगे भी तो इस माइंडसेट के साथ देखेंगे कि वहाँ से सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरे पास है। जिस बच्चे के भी दिमाग में आपने बचपन से ये बात फीड कर दी कि तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ही पास है, तो फिर उस बच्चे को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो बच्चा 10 बार फेल हो ज़िंदगी में, 100 बार फेल हो, या फिर वो 1000 बार या 10,000 बार फेल हो, वो हर बार गिरेगा और उठकर खड़ा हो जाएगा और आगे ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि इंडिपेंडेंस से जो खुशी मिलती है वो अलग ही है वो, क्योंकि आपको एक फोर्स देती है आगे बढ़ने के लिए। तो इंडिपेंडेंट हमेशा बच्चों को बनाने के लिए बचपन से ही पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स देखिए, आपको ही मेहनत करनी है और आज आई होप कि इस एपिसोड से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे जिससे आप अपने बच्चे को ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी फील होगा और आप समझ भी पाएंगे। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, हमारे इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे आपको समझाने की, क्योंकि आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं और अपने आप को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।